तो लो यार, जो जुग 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 का ट्रेलर था फाइनली इसकी जो वेटिंग है वो ओवर हो चुकी है। इसका जो ट्रेलर है ऑन टाइम 3 बजे रिलीज कर दिया गया उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है इन लोगों से, मैंने इसका जब ट्रेलर तो एंड किया खत्म होने के बाद में, मैंने जब उसके कमेंट बॉक्स को चेक किया तो काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं वहाँ पर KGF चैप्टर 2 के मुकाबले नहीं है, वो है ये है फलाना ढिमकाना। मुझे समझ नहीं आता आप लोगों से यार, आप लोग किस जॉनर की मूवी को किस फिल्म पर कंपेयर कर रहे हैं। ये एक कॉमिक रोल होने वाला है जहाँ आपको रोमांस कॉमिक इमोशन सब देखने को मिलेगी, वहाँ पर वो थ्रिलर एक्शन और इमोशन वाली मूवी थी। तो आप लोग किस भी नाम पे उसे कंपेयर कर रहे हैं मुझे समझ आता ही नहीं है। अच्छा फिलहाल इधर की बात मगर मैं छोड़ देता हूँ, उसके बाद मगर मैं ट्रेलर की बात करूँ तो आप लोगों को पता होगा जब इस ट्रेलर को आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर फर्स्ट सीन से ही फर्स्ट फ्रेम से आपको पता चल जाता है कि स्टोरी क्या होने वाली है इस मूवी की, जहाँ पर वरुण धवन और कियारा अडवाणी दोनों से डिवोर्स मांगते हैं, उसके बाद से जो स्टोरी आगे बढ़ती है। हाँ क्वाइट इंप्रेसिव मुझे जहाँ पर जब फर्स्ट स्टोरी रिवील हुई थी तो मुझे लगा कि कॉमिक को इसमें कैसे वो प्रेजेंट करेंगे, पर जिस प्रकार से ट्रेलर को जहाँ पर कॉमेडी को भी इंट्रोड्यूस किया गया और कुछ ऐसी वाइब्स भी आ रही है कि आप लोगों को ऐसा एक्स फैक्टर कॉमेडी में मिल जाएगा कि आप लोग उसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते। मतलब कि कुछ ऐसी बातें होंगी जहां पर कॉमेडी में धड़ल्ले से बोल दी जाएंगी पर उस पर भी कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज होने वाला है इस मूवी पे। और बाकी अगर बात करूं मैं जहां पर सभी की परफॉर्मेंस की, तो जहां पर एनर्जेटिक अनिल कपूर के सर के बारे में बात करना नहीं है, वो तो नेक्स्ट लेवल पर एनर्जी पर रहते हैं, पर कुछ कुछ स्क्रीन पर जो वरुण धवन की फिल्म पर मिस कर रहे थे वो थे उसकी इमोशंस टच, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर कियारा अडवाणी की बात करें तो वो क्यूट लग रही हैं, इंप्रेसिव लग रही हैं। बाकी अगर हम नीतू मैम की बात करें तो वो तो नेक्स्ट लेवल की बात कर रही हैं, जहां पर उनकी मूवीज पे एक मतलब कि फिल्म पे ऐसा बताया जा रहा है ट्रेलर पे कि इस ट्रेलर को देखने पे ये वाइब्स जो आ रही है वहां पर ऐसी है कि आपको अभी की जनरेशन की बात करें या तो फिर जो बैक जनरेशन हमारे पापा दादा की जनरेशन की बात करें, कहीं की बात करें, वहां पर जो अपनी जो एक इंडिविजुअलिज्म है वो अलग है और दूसरे की अलग है, अपना स्पेस होने वाला है प्राइवेट स्पेस वो अलग होने वाला है, इसी हिसाब से फिल्म प्रेजेंट करने वाली है। क्योंकि जब सेकेंड आप ट्रेलर के जो मिड तक पहुंचते हैं वहां पर जहां पर अनिल कपूर सर शो करते हैं कि मुझे भी डिवोर्स चाहिए उनकी वाइफ से, यानी जो वरुण धवन बने हैं उनकी मॉम से, उसके बाद फिल्म थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होते जाती है, आपको फिल्म सॉरी जो ट्रेलर है वो कॉम्प्लिकेट हुए नजर आती है, उसके बाद में फिल्म वो कैसे लास्ट पे अचीव कर पाएगी। और मुझे दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, नीतू मैम रॉक ऑन, मैं बता दूं नीतू मैम इस फिल्म पर 4 चांद लगाने वाली है, क्योंकि उनको इमोशन टच दिया गया और वो इमोशन टच काफ़ी अच्छी से निभाती हैं। बाकी इतने फिर फिल्म निकल के कैसी आती है, मगर फिल्म मैं जितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ट्रेलर उससे काफ़ी अच्छी बन के आई है। तो दोस्तों आप लोग भी जाके ऑफिशियल इसका जो ट्रेलर जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसके बारे में बताइएगा इस कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको ये ट्रेलर है कैसा लगा। तो इसी तरह की मूवीज़ के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, मूवीज़ की रिव्यू के लिए, और बने रहिए हमारे चैनल पर दोस्तों। बाय बाय, धन्यवाद।